जो कैसे हो आप? आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। चलो बेटा वर्कशीट देखते हैं, क्लास फोर्थ की ईवीएस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 96B, डेट है 25/10/2021। स्टूडेंट अपना नाम और टीचर का नाम लिखोगे। चलो बेटा देखते हैं वर्कशीट में क्या है। बच्चों क्या साल के सभी दिनों में आप सभी को एक जैसा ही दामा महसूस होता है? क्या साल के सभी दिनों में आप एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं? नहीं ना, क्योंकि साल के दिनों का तापमान ऋतु पर निर्भर करता है और विभिन्न ऋतु सीजन्स के अकॉर्डिंग हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र भी पहनते हैं। तो आइए आज हम विभिन्न प्रकार के ऋतुओं का और उनके इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्या है बेटा? फर्स्ट बच्चों ऋतु चार प्रकार की होती है, ग्रीष्म यानी समर, बसंत स्प्रिंग, पतझड़ ऑटम और सर्दी विंटर निचली तय। बेटा चार ऋतुएँ होती है हमारी, कौन कौन सी? ग्रीष्म, बसंत, पतझड़ और सर्दी। अब नीचे देखिए तालिका में ऋतुओं के अनुसार एक वर्ष की चार अवस्थाएं दिखाई गई है। चित्रों के नीचे ऋतुओं के अनुसार उनमें संबंधित महीनों के नाम भी लिखिए। देखो बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे पहले जब क्या है ये बसंत ऋतु स्प्रिंग, ठीक है, जिसमें वो हरियाली हो रखी है, ऐसे बारिश क्लाउडी हो रखा है, पीछे बादल छाए हुए हैं, ये क्या है? बसंत, ठीक है, यहाँ लिखोगे हम बसंत। सेकंड पे है हमारा है ग्रीष्म, सन निकला हुआ ना, ये हमारा होता है ग्रीष्म। आया है हमारा थर्ड पे हमारा क्या? पतझड़, जिसमें पीले पीले ऐसे पत्ते हो जाते हैं, ठीक है। फोर्थ पे देखो जैसे क्या है? सर्दी, ठीक है, जिसमें बर्फ गिर रही है, ये क्या है? सर्दी। आप इसके देखते हैं नीचे क्वेश्चन क्या है, ऋतु संबंधित महीने बताओ। देखो बेटा इसमें सबसे पहले में है मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, फिर है जून, जुलाई, अगस्त, फिर है ये पतझड़ सितंबर, अक्टूबर और क्या होता है? नवंबर, ठीक है बेटा, और क्या है ये? नवंबर। अब है लास्ट में देखो, लास्ट में हमारा क्या है? दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है। आप देखते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन टू, नीचे दिए गए विभिन्न ऋतु में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें दी गई, संकेत दिवस की सहायता से इन्हें पहचान कर इनका नाम और जिस ऋतु में ये चीज़ें काम आती है उस ऋतु का आप नाम अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे यहाँ पे है सूती टी शर्ट, स्वेटर, धूप का चश्मा, रेनकोट, सूखे पत्तों की टोकरी, छाता, ऊनी स्कार्फ, पत्ते इकट्ठा करने का औजार, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है ये? रेनकोट, क्या है ये बेटा? रेनकोट, ये क्या है हमारा? ऊनी स्कार्फ, ऊनी स्कार्फ, ठीक है। थर्ड पे क्या है? सूती टी शर्ट। फोर्थ पे क्या है? स्वेटर। फिफ्थ पे क्या है? सूखी पत्तों की टोकरी, ठीक है। सिक्स पे क्या है? धूप का चश्मा। सेवन्थ पे क्या है? छाता। और एट पे क्या है? इकट्ठा करने का औजार, ठीक है। इसका बेटा वन टू, मैं सीक्वेंस लिख देती हूँ, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। वन पे हमें क्या? रेनकोट बताया था आपको। सेकंड पे ऊनी का स्कार्फ, थर्ड पे टी शर्ट, फोर्थ पे स्वेटर, फिफ्थ पे पत्तों की टोकरी और सिक्स पे क्या है? चश्मा, धूप का चश्मा। सेवन पे छाता और एट पे इकट्ठे करने का औजार, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है? ऋतु, कौन से किस ऋतु में पहनी जाती है? जैसे बेटा सबसे पहले क्या था? रेनकोट होता है, और क्या था ये हमारे वस्तुओं के नाम लिखो। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर देखें ऋतु, जैसे ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों में क्या यूज करते हैं हम, ठीक है।
ग्रीष्म समर में क्या यूज करते हैं, जैसे हमें लिखेंगे एक सेकंड को बेटा, वस्तुओं के चार नाम लिखने हैं हमें, जैसे हम चार नाम का यूज करते हैं, यहाँ पर है जैसे चश्मा ले देते हैं हम यहाँ, टी शर्ट, जैसे सूती टी शर्ट, सबसे पहले कहेंगे सूती टी शर्ट, कब यूज की जाती है ये, ग्रीष्म में, ठीक है, कब यूज होती है ग्रीष्म में। उसके बाद होता है सेकंड, सेकंड में लिखेंगे बेटा हम, जैसे कि हम लिखेंगे स्वेटर, स्वेटर कब यूज करते हैं, सर्दी में, ठीक है। अब थर्ड पे देखो, थर्ड पे हम लिखेंगे जैसे ये सूखे पत्तों की टोकरी, क्या है, सूखे पत्तों की टोकरी, कब यूज करते हैं बेटा, कौन से मौसम में, ये करते हैं पतझड़, क्योंकि बहुत सारे जब पतझड़ हमारी पत्ते झड़ने लगते तब हम सूखी टोकरी ये यूज करते हैं। और लास्ट में देखो बेटा छाता, ठीक है, जो छाता है हम इसको कब यूज करते हैं, छाता हम देखो हम ग्रीष्म में भी यूज करते हैं, ठीक है, गर्मी में भी यूज करते हैं इसे। और क्या है, चश्मा, जो ये चश्मा है वो भी हम यूज गर्मियों में करते हैं। चलो बेटा आगे देखते हैं, एक्टिविटी जो ऋतु आपको सबसे अच्छी लगती है उसे संबंध चित्र बनाइए और टीचर साझा कीजिए। कोविड अभिभावक के लिए सुझाव, विभिन्न ऋतुओं से संबंध अपने अनुभव के साथ बच्चे साझा कीजिए। कोविड से रिलेटेड मैसेज की मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट 2 यार्ड, 2 गज की दूरी हमें बनाकर रखनी चाहिए। चलो बेटा आज की वर्कशीट फिनिश होती है, यदि अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।